What's up guys, I'm Rohit Khurana and welcome to Cookbook by Rohit. मटर पनीर पुलाव बना रहा हूँ आज. अभी जो पुलाव की रेसिपी है ना, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में. ये वाले पुलाव प्रेशर कुकर में बनाएंगे और आपको एक एक चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे और कितना चावल को कुक करना है सो देट चावल एकदम खिले खिले बने. मटर पनीर पुलाव बनता कैसे है वो देख लेते हैं. सबसे पहले एक बोल में 2 कप अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल लेंगे और चावल को अच्छे से वॉश कर लेंगे. धोते हुए एक चीज का ध्यान देना है कि चावल को हल्के हाथों से ही धोना है, चावल टूटने नहीं चाहिए. एक बार चावल अच्छे से वॉश हो जाए उसके बाद चावल को लगभग 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे. चावल जब तक सोख हो रहे हैं तब तक पनीर की तैयारी कर लेते हैं. यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर को ऐसे डायमंड्स में कट करके लिया है, आप क्यूब्स या स्क्वायर्स में भी कट करके ले सकते हो. अब एक पैन में 5 से 6 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे. तेल एक बार गर्म हो जाए उसके बाद पनीर को ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे. पनीर एक बार दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद पनीर को एक नमक वाले गर्म पानी में ट्रांसफर कर देंगे. दोस्तों इस ट्रिक से आपका पनीर अंदर से एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और जितना भी ऑयल होगा वो निकल जाएगा. अब प्रेशर कुकर में 1 टेबलस्पून तेल और 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे. घी एक बार गर्म हो जाए फिर इसमें 1 टीस्पून जीरा, 2 तेजपत्ता, 5 से 6 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्रफूल, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 जावित्री डालकर एक बार स्टर कर लेंगे. फिर 2 प्याज को ऐसे लंबा लंबा स्लाइस करके ऐड करेंगे. दोस्तों इस रेसिपी में चॉप करके प्याज को मत डालना, ऐसे ही स्लाइस करके डालना. प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक भूनेंगे. उसके बाद लगभग 10 काजू को बीच में से हाफ करके ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए भून लेंगे. 2 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए. अब हरी मिर्च डालेंगे स्लिट करके और तब तक भूनेंगे जब तक प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता. आप देख सकते हो प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है. अब इसमें ऐड करेंगे हरे मटर और हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए स्टर करते हुए भून लेंगे. लगभग 2 मिनट हो चुके हैं मटर को भूनते हुए. अब इसमें चावल ऐड करेंगे. ये देखिए दोस्तों चावल अच्छे से सोख हो चुके हैं. अब इनका पानी निकालकर प्रेशर कुकर में डाल देंगे. हल्के हाथों से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे और आधा मिनट के लिए चावल को घी में भून लेंगे. अब इसमें पानी ऐड करेंगे. दोस्तों पानी हमने सेम कप से मेजर करके डालना है जिससे चावल को मेजर करके लिया था. 2 कप चावल बना रहे हैं इसलिए मैंने 3.5 कप पानी ऐड करा है. डबल क्वांटिटी से थोड़ा कम ऐड करना है. टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून नींबू का रस और 5 से 6 पुदीना के पत्ते. हाई फ्लेम पर पानी को एक बॉयल पर लेके आना है. एक बार पानी बॉयल पर आ जाए फिर इसमें जो पनीर हमने फ्राई करके रखा था वो ऐड करेंगे. अब प्रेशर कुकर को ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 1 सीटी देंगे. बस 1 सीटी देनी है, उससे ज्यादा मत देना. जैसे ही 1 सीटी हो उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर को नेचुरली डीप्रेशराइज होने देंगे. प्रेशर एक बार प्रेशर कुकर से निकल जाए उसके बाद चेक करके ढक्कन को खोलेंगे. आप देख सकते हो पुलाव एकदम परफेक्टली पक गया है. अब 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे और हल्के हाथों से नीचे वाले चावलों को ऊपर लेके आना है. हल्का हल्का मिक्स करना है ताकि नीचे वाले चावलों को भी हवा लगे और जो एक्सेस स्टीम है वो निकल जाए और हमारे पुलाव सेट हो जाए. आप देख सकते हो एक एक दाना हमारे चावल का खिला खिला बना है. मटर पनीर पुलाव रेडी है, चलिए सर्व कर लेते हैं. देखा आपने कितना आसान है इस तरह से पुलाव बनाना. बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में और उतना ही सिंपल भी है बनाने में.
मसाले भी इसमें बहुत कम जाते हैं। इनको आप रायता के साथ भी सर्व कर सकते हो या किसी करी के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल पुलाव है और बहुत ही आसानी से प्रेशर कुकर में एकदम खिले खिले पुलाव बन भी जाते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक बार मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके मटर पनीर पुलाव बनाए अपने घर पर और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको एंड आपके घर में सबको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।